मुझे अच्छी तरह याद है कि इलेक्शन से पहले पाक पतन शरीफ में उलमा व मशाइख का एक बहुत बड़ा कन्वेंशन था। वहाँ मैंने अपना ये दर्द रखा और हदीस शरीफ पेश की इस बारे में, मगर वो भी सदा बसहरा साबित हुई। हमने बार बार झंझोड़ा मगर इस तरफ सोचने को कोई तैयार नहीं था। चूँकि अमेरिका अपना न्यू वर्ल्ड आर्डर उसके लिहाज से इतना हसास है कि उसके मुकाबले में दूसरा कोई नाम ही नहीं सुनना चाहता, तो उसे ये बारहा हमने तकरीरों में कहा कि नमाज पसंद नहीं मगर बर्दाश्त है, और निज़ाम का नाम सुनना भी उसे बर्दाश्त नहीं। और ये हमने कहा था, रिकॉर्ड पर है, कि अगर तुम निज़ाम के लिए नहीं उठोगे और निज़ाम अपना कायम नहीं करोगे तो बिल आखिर नमाज को बचाना भी मुश्किल हो जाएगा, माज़ अल्लाह। और आज वो हालात हमारे सामने। हमें ये खुशी नहीं कि जो कहा था देखो वही हो गया, हमें अफसोस है कि ऐसा क्यों हुआ। और हमें हमारा ज़मीर झंझोड़ता है कि हदीस ने तो वाज़े बताया था कि ऐसा क्यों होगा, और इस पर हमारा ज़मीर मुतमैन है कि हमने मुल्क पाकिस्तान में वो हदीस गली गली महल्ले महल्ले अवाम तक उलमा व मशाइख तक पहुँचाई। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब ख़त्म नबूवत के लिहाज से मुस्तकबिल को देखा और निज़ाम अता किया तो निज़ाम में आपने क्या फरमाया? फरमा लयन तकदन और अल इस्लाम और वतन और वाह, फरमा एक एक करके इस्लाम के कड़े टूटेंगे एक एक करके, क्यामत तक के हालात बताए। फरमा मेरी उम्मत में तुम्हें बताता हूं पहले ही ना टूटने दो ताकि आगे सब महफूज रहे। पहला कड़ा क्या नमाज है, क्या रोजा है, क्या हज है, क्या जकात है, ये पिलर्स ऑफ इस्लाम है, ना इनकार मुमकिन है और ना कोताही जायज है। मगर पहला महाज नमाज नहीं है कि सब उस पर इकट्ठे हो जाते सारा दिन बच जाता। तरतीब देखो, इल्म गैब से सरकार ने क्या फरमाया वही हुआ, गैर समझ गए हम ना समझ पाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक एक करके इस्लाम का कड़ा टूटेगा, जब एक टूटेगा तो मेरी उम्मत दूसरा पकड़ेगी, दूसरा टूट जाएगा, तीसरा पकड़ेगी, काफर तीसरा तोड़ देंगे। तो पहले ही ना टूटने दो, सब इकट्ठे हो जाओ पहले पे। वो क्या है लफ्ज़ सुनो, फरमा अव्वल हुन्ना नकदन अल हुक्म, फरमा वो कड़ा जिससे पूरा दीन बचेगा, नमाज भी रोजा भी हज भी जकात भी, फरमा वो मेरी उम्मत की गवर्निंग पावर और निजाम हुकूमत है। अगर मेरी उम्मत निजाम हुकूमत अपना बचा गई तो इनके मुसल्ले भी महफूज, इनके अस्ताने भी महफूज, इनकी मस्जिदें भी महफूज, मदारस भी महफूज, और अगर निजाम गैरों को दे दिया तो फिर सब कुछ लुटेगा। अव्वल हुन्ना नकदन अल हुक्म, हुक्म इस्लाम निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पे काफिरों ने पहला हमला किया और इतनी गलाजत घोली कि इस मौजू को ही हमारे निसाब से निकाल दिया। फिर आखिर हुन्ना सलाह, सरकार फरमाती आखिरी हमला होगा नमाज पे, पहला निजाम पे होगा, अगरचे पड़ती तो हर वक्त है मगर पहले पहला निजाम पे है। निजाम अमेरिका के लौंडों के लिए नहीं, वो चलाए। निजाम वो है जो खिलाफत राशिदा की सीट पे पीछे बैठने वाले हो। ये अलमिया है, एक एक मसला आज उसकी हिफाजत के लिए हमें निकलना पड़ेगा। लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी और आज वो दिन हमारे सामने है कि वो मुल्क जिसकी बुनियाद मस्जिद की नीयत पर थी, आज उस पाकिस्तान के अंदर जो हज़ारों लाखों मसाजिद हैं वो इस सूरत हाल में हैं कि मस्जिदें मरसी आखा हैं कि नमाजी ना रहे। दुनिया में लगाने निकले।